आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। से लौटे जवानों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, ऑपरेशन दोस्त की तारीफ की, कहा हमारी संस्कृति ने हमें वसुदेव कुटुंबम की सीख दी है। उत्तराखंड रोजगार मेला, पीएम मोदी बोले अब युवाओं को अपने प्रदेश में ही मिल रहा है रोजगार, यह व्यापक बदलाव का क्षण है। अमित शाह ने कहा पीएम ने पूर्वोत्तर में विकास के नए युग की शुरुआत की, नगा शांति वार्ता को बनाएंगे सफल। जेपी नड्डा ने कांग्रेस शिवसेना को बनाए वंशवादी, कहा पीएम मोदी ने छात्राओं को निकालने के लिए यूक्रेन युद्ध रुकवाया। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र, कहा श्रीलंकाई लोगों ने भारतीय मछुआरों पर किया हमला। भाजपा से निलंबित विधायक टी राजा सिंह का दावा, मुझे मारने की दी गई धमकी, पाकिस्तान से आया फोन। सीएम शिंदे बोले यह आम लोगों की सरकार, संजय राउत पर एफआईआर को लेकर, कहा कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी। टाइटलर को प्रतिनिधि बनाने पर भड़की भाजपा, कहा मोहब्बत की बात करने वाले राहुल चला रहे नफरत की दुकान। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा का दावा, कहा स्थिति बदल चुकी है मेघालय में, इस बार बीजेपी का होगा मुख्यमंत्री। विधानसभा से बंगाल विभाजन के प्रयासों के खिलाफ प्रस्ताव पारित, तो बीजेपी ने इसे टीएमसी का राजनीतिक स्टंट बताया। महबूबा मुफ्ती ने पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्री को लिखा खत, कहा हज जाने के लिए 3 साल पहले दिया था आवेदन। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल, येदियुरप्पा के 2 खास लिंगायत नेता भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। हरियाणा पुलिस से नाराज हुए पूर्व त्रिपुरा सीएम, बीजेपी प्रभारी ने पानीपत के एसपी को कहा एक्सकॉर्ट में ड्राइवर रखे हैं। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की गृहमंत्री को धमकी, इंदिरा गांधी ने बताया अमित शाह अभी अपनी इच्छा पूरी करके देख लें। देश के 8 राज्यों में 72 जगहों पर एनआईए की छापा, गैंगस्टर टेरर फंडिंग केस में कार्रवाई, रेड में कई हथियार बरामद। हंगामे को भांपते हुए बोले सीएम योगी, सदन को बाधित करना लोकतंत्र और देश हित में नहीं। सपा की प्रदेश इकाई और फ्रंटल संगठनों में दिखेगा बदलाव, 2 दौर की हो चुकी है कसरत, नए नामों पर भी विचार। अखिलेश यादव का सरकार पर वार, बोली भाजपा सरकार ने बड़े सपने दिखाए लेकिन इन्वेस्टर समिट से कुछ नहीं आने वाला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उप मुख्यमंत्री केशव पर किया पलटवार, का हमें नहीं चाहिए प्रमाण पत्र।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ वाराणसी में मुकदमा दर्ज, पीएम मोदी के पिता के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी। यूपी का सबसे बड़ा बजट कल पेश होगा, योगी सरकार की 2024 को साथी की कोशिश, कुंभ का फंड बढ़ेगा। राजा भैया की पत्नी ने एमएलसी देवर पर करवाई एफआईआर, अक्षय प्रताप सिंह पर फर्जीवाड़े का आरोप, राजा भैया बोले छोड़िए। साध्वी प्राची ने स्वरा भास्कर पर कसा है तंज, स्वरा भास्कर ने कहा श्रद्धा के सूटकेस में 35 टुकड़े नहीं देखे। सपा विधायक इरफान सोलंकी की एक और अर्जी खारिज, प्लॉट पर आगजनी मामले में विधायक समेत तीन पर 24 फरवरी को तय होंगे आरोप। आप सांसद संजय सिंह बोले यूपी के मंत्री राकेश को आवंटित हुए 72 प्लॉट, सीबीआई ईडी कहां है। प्रयागराज में टैंकर ने युवती को रौदार रोड क्रॉस करते समय 100 की स्पीड से आ रहा था दूध का टैंकर ऊपर चढ़ा दिया। शिक्षक मित्र के हत्या हमलावर को पीट पीट कर मार डाला, और औरैया में 13वीं कार्यक्रम में डबल मर्डर, देर रात आईजी पहुंचे। दस मिनट में 20 सोने की चेन चोरी, मेरठ में टोपी लगाकर घुसा चोर, बोला चांदी की ताबीज दिखाओ फिर जेब में रखी चेन। आठ साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, टॉफी का लालच देकर ले गया था करीबी रिश्तेदार, कीचड़ में दबाया था शव। पाइपलाइन तोड़ने पर वोडाफोन पर एफआईआर, 50 मोहल्ले में 2.5 लाख लोगों को नहीं मिला पानी, 10 लाख की वसूले जाएंगे। एटीएम लूटने उत्तराखंड के यूपी आए थे बदमाश, यूट्यूब से एटीएम को टेम्परिंग करना सीखा, मेरठ पुलिस ने 2 बदमाश को पकड़ा। कोटेदार का ग्रामीणों से अभद्रता, आजमगढ़ में राशन लेने पहुंचे लोगों को दे रहा है धमकी, जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में कार की टक्कर से खाई में गिरी बाइक, हादसे में 3 बाइकों सवारों की मौत, मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। गाजीपुर में आरपीएम ने अवैध ई टिकट संग आरोपी को पकड़ा, 11 अवैध ई टिकट और नकदी बरामद उपकरण भी जब्त किए गए। पुलिस ने सांसद के निजी सचिव के भाई को पीटा, नकदी भी लूटे, मथुरा में दरोगा और 2 सिपाही निलंबित। गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में 6 दिन से बिजली नहीं, इमरजेंसी लाइट में देखे जा रहे हैं मरीज, एक्सरे सीटी स्कैन मशीनें बंद पड़ी हैं। गाजीपुर में 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर, रिश्तेदारी में जा रहे एक युवक की मौत, 2 की हालत नाजुक, मऊ रेफर कर दिए गए। जर्जर बाउंड्री वॉल गिराने से छात्र की दबकर मौत, अयोध्या में छुट्टी के बाद स्कूल में खेलते समय हुआ हादसा, पुलिस कार्रवाई में जुटी। इटावा में बावरिया गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार, चोरी करते समय महिला की हत्या की थी, 2 दिन पहले हुई थी घटना। मिर्जापुर में 2 पक्षों में मारपीट, 5 लोग घायल, सूचना पर गांव पहुंची पुलिस टीम की फाड़ी वर्दी, आरोपी गिरफ्तार।
निखत के पूछताछ के बाद सपा नेता गिरफ्तार। डीआईजी ने कहा विदेशों के भी खंगाले जा रहे हैं, तार अन्य सहयोगियों की तलाश जारी की जा रही है। आगरा में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौत। आगरा ग्वालियर रोड का है पूरा मामला। डीजल से संचालित सिटी बसों के थम गए पहिए, प्रयागराज शहर में अब ई बसों का सहारा, शहरियों को आवागमन में हो रही है परेशानी। छात्रा खुशबू को न्याय दिलाने का निकाला गया कैंडल मार्च, गाजीपुर में छात्रा ने जहर खाकर किया सुसाइड। मनीष गुप्ता हत्याकांड में होमगार्ड को क्लीन चिट, लिफ्ट से मनीष को उठाकर गाड़ी में रखवाया था। उत्तराखंड के सीएम धामी का बड़ा बयान, का भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद सीबीआई जांच को तैयार। उत्तराखंड रोजगार मेला में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा उत्तराखंड का हर गांव सड़क से जुड़ रहा है, बढ़ रहे रोजगार के अवसर। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को बताया संत आदमी, कहा वे राजनीति में फंस गए। उत्तराखंड में होली से पहले दायित्व के रंग में रंगेंगे भाजपाई, भाजपा में जोरों पर है तैयारी। उत्तराखंड के एफआईआर समेत देश भर के 14 संस्थानों पे पेंशन बंद, पेंशन कर हुए प्रभावित। बद्रीनाथ हाईवे पर 25 स्थानों पर भूदसाव, यात्रा मार्ग पर एकमात्र सीएससी भी खतरे में, बिल्डिंग बंद। उत्तराखंड में मार्च से पहले ही गर्म हवाओं ने बढ़ाया पारा, अगले दो हफ्तों में पड़ेगी भीषण गर्मी। विशेषज्ञों के दल ने अध्ययन कर सौंपी रिपोर्ट, सामने आए आपदा के तीन बड़े कारण, दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव। उत्तराखंड के रुड़की में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, चार जिंदा जले, 40 मिनट तक होते रहे धमाके। उत्तराखंड में बंद हुए 350 प्लास्टिक उद्योग, दोबारा होंगे शुरू, नए कारोबार के लिए सरकार देगी वित्तीय सहायता। उत्तराखंड में 19 और फर्जी आयुर्वेद डॉक्टर चिन्हित, इमला के ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द कराएगी पुलिस। हाउस टैक्स निर्धारण के लिए ड्रोन से होगा बस्तियों का सर्वे, अब निगम के पास होगी असल तस्वीर। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके, रिएक्टर स्केल पर 2.5 रही तीव्रता। उत्तराखंड के एआईसीसी सदस्यों की सूची जारी होते ही कांग्रेस में मचा घमासान, प्रीतम ने प्रभारी के खिलाफ खोला मोर्चा। उत्तराखंड एसटीएफ के हत्थे चढ़े कारोबारी रूपेंद्र, दरोगा भर्ती धांधली में भी बना था बीच की घड़ी। मारा गया हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बशीर अहमद, दो हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की।
यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी चेतावनी, कहा अगर चीन ने अगर रूस की मदद की तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट से चीन जापान रेडिएशन का खतरा, 10 लाख हो सकते हैं प्रभावित। मॉरिशस से टकराया चक्रवात फ्रेडी, 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं से खतरा, बारिश ने बरपाया कहर, उड़ानें रद्द कर दी गई। जापान को समुद्र में मिली बड़ी सफलता, ताजा सर्वेक्षण के बाद टीम ने खोजे 7000 नए अज्ञात द्वीप। तुर्की सीरिया में फिर भूकंप, 6.4 रही तीव्रता, इजराइल तक महसूस हुए झटके, 3 की मौत। यूक्रेन में हवाई हमले का सायरन के बीच ट्रेन में पहुंच गए बाइडेन, राजधानी कीव को नो फ्लाइंग जोन बनाया, अमेरिकी मिसाइल्स भी एक्टिव। इमरान खान को जमानत मिली, लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने कहा था पेश नहीं हुए तो पुलिस को गिरफ्तारी से नहीं रोकेंगे। पाक अफगान बॉर्डर पर पुलिस और तालिबान में मुठभेड़, कई लोगों की मौत की खबर, 2 महीने में मारे गए थे 7 पाकिस्तानी। म्यूनिक काउंसलिंग में भारत के साथ जर्मनी, जयशंकर ने कहा था यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या नहीं। अडानी ग्रुप को बैंक ऑफ बड़ौदा से राहत, का आगे भी ग्रुप को लोन देने के लिए तैयार, शेयरों में गिरावट की चिंता नहीं। ओयो के फाउंडर ने पीएम को दिया शादी का न्योता, पैर छूकर आशीर्वाद लिया, पीएम को शॉल उड़ाई। मेलबर्न में दिखे अलीबाबा के फाउंडर जैक मा, करीब 4 दशक पुराना है मा का ऑस्ट्रेलियाई परिवार से रिश्ता। हिमाचल में 65 दिन बाद खोलेंगे अडानी के सीमेंट प्लांट, भाड़े के नए रेट, अंबुजा एसीसी में कल से प्रोडक्शन। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुल 7.62 करोड़ मोबाइल कस्टमर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सर्किल में हर दूसरा ग्राहक जियो का है। चेन्नई में फ्लाइट पकड़ने में देरी पर यात्रा ने की झूठी कॉल, दिल्ली देवगढ़ विमान भी लखनऊ डायवर्ट। एक्सिस बैंक के लिए ग्राहकों को झटका, बैंक ने बढ़ाया एमएलसीआर, बैंक ने एमएलसीआर के रुपए में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में प्राइवेट बाइक को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल पर लगी रोक, होगा 1 लाख रुपए का चालान और जेल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बड़ा बयान, कहा मौजूदा वर्ष में भारत और चीन का रहेगा वैश्विक ग्रोथ में आधे से ज्यादा का योगदान। बजट के बाद एनडीएमसी स्टील के शेयर की शानदार लिस्टिंग, 5% के उछाल के बाद लगा अपर सर्किट। पृथ्वी शॉ की बढ़ सकती है मुश्किलें, जमानत मिलते ही सपना गिल ने 10 धाराओं में कराए केस दर्ज। ऑस्ट्रेलिया को झटके पर झटके, जोश हेजबुल बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज से बाहर, डेविड वॉर्नर का खेलना भी संदिग्ध।
सबूतों के साथ वेंकटेश प्रसाद ने केएल राहुल के खिलाफ खोला मोर्चा का। इंदौर में फॉर्म में वापसी करो नहीं तो जाकर काउंटरी खेलो। ससुर के बाद दामाद शाहीन अफरीदी भी मोहम्मद आमिर पर भड़के। पाकिस्तानी पेसर ने बाबर आजम को बताया किंग। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचे दिखी राहत। श्रीलंका ने वानिंदू हसरंगा को पीएसएल में खेलने के लिए नहीं दी एनओसी। लगातार तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में भारत आयरलैंड को टीएलएस मेथड से 5 रन से हराया। रोहित चुनेंगे टेस्ट टीम का नया उप कप्तान। अब प्लेइंग 11 से भी बाहर हो सकते हैं केएल राहुल। कोहली बोले के करेले से मुझे नफरत है। दिल्ली टेस्ट में मंगवाए थे छोले कुलचे। इंटरव्यू में कहा मलेशिया में गलती से खा लिया था कीड़ा। श्रीलंका वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप से बाहर। न्यूजीलैंड ने 102 रन से हराया। उनकी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद कायम। शोएब अख्तर ने शाहीन अफरीदी पर साधा निशाना। बोले अगर मैं होता तो पाकिस्तान के लिए मर जाता और नेशनल हीरो बन जाता। कंगना रनौत ने फिर साधा ऋतिक रोशन पर निशाना। कहा कभी एक्टिंग करते नहीं देखा। अरिजीत सिंह ने गेरुआ कंट्रोवर्सी पर तोड़ी चुप्पी। एक रंग पर इतना विवाद। स्वामी विवेकानंद ने सफेद पहना है। दिल्ली की ग्रैंड वेडिंग में सलमान अक्षय ने किया डांस। यूजर्स ने तंज कसते हुए बोला पैसा क्या क्या नहीं करवाता। टीवी शो चाशनी का प्रोमो हुआ आउट। हादसे की वजह से जिगरी बहनें बनेंगी दुश्मन। सास बहू में बदलने दोनों का रिश्ता। कांतारा के प्रीक्वल में मिलेगा ऑडियंस को बड़ा सरप्राइज। फिल्म में सुपरस्टार रजनीकांत आ सकते हैं नजर। सेल्फी के लिए सोनू निगम से धक्का मुक्की। स्टेज से उतरते समय सिंगर और उसके दोस्तों को धक्का दिया गया। विधायक के बेटे पर केस दर्ज। मशहूर एक्ट्रेस बेला बोस का निधन। 200 से ज्यादा फिल्मों में किया था काम। चित्रकार और नेशनल लेवल की तैराक भी थी। संतावन के एसआरके की उम्र पर फैन ने उठाए सवाल। बोला मैंने एफआईआर करूंगा। आप झूठ बोलते हैं। शाहरुख बोलो मत करो यार मैं 30 साल का हूं। गाड़ी से उतरते वक्त न्यासा देवगन का टकराया सिर। यूजर्स ने उड़ाया मजाक। बोले ओह बेचारी को कितनी जोर से लगी है। अब्दुल रोजिक में दिखी पठान के लिए दीवानगी। शाहरुख खान की फिल्म के लिए बुक किया पूरा थिएटर। शतक में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए